मेरा राम कुशल है ना मंथरा, महाराज कुशल है ना, भरत शत्रुघ्न कुशल है ना, लक्ष्मण कुशल है ना। कैकेयी मैया ने कुशलता सबसे पहले किसकी पूछी? राम जी की। आप कल्पना करिए, वही माँ है जो थोड़ी देर बाद राम जी को वन भेजने वाली है, लेकिन कुशलता अपने भरत की नहीं पूछी ना अपने पति की पूछी। क्या पूछी? कुशल राम महिपाल, मेरा राम कुशल है ना। क्यों? धरती पर कैकेयी मैया इतना प्रेम करने वाला राम जी को दूसरा कोई नहीं भया। इस बात को ठीक से समझिएगा। हम कथावाचक लोग, हम लोग व्यास पीठ पर बैठ के घंटों माँ कैकेयी को बड़ा बुरा कहते हैं। किसने अधिकार दिया है? वो किसने अधिकार दे दिया? संतान का कोई अधिकार नहीं है अपने माता पिता में दोष का दर्शन करने का, कोई अधिकार नहीं है। लोग कहते हैं कैकेयी मैया ने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरा एक प्रश्न है, जिस माँ के अंक से भरत जैसा भगत जन्म ले लेता है वो माँ राम जी से विरोध करेगी? जिस माँ के बारे में प्रमाण पत्र मेरे राम जी ने बनाया है उसके बाद भी संशय है? राम जी ने स्पष्ट कहा भरत जी से चित्रकूट में, भाई दोष दे जननी ही जड़ दे। जो मेरी माँ कैकेयी को दोष देगा वो मनुष्य नहीं, वो जड़ है। कौन देगा? जे गुरु साधु सभा नहीं सही। जिसने अपने जीवन में सदगुरु की, श्रेष्ठ जनों की कभी सेवा नहीं की होगी वही कहेगा कि मेरी माँ कैकेयी का कोई दोष है। आपको बतावे, सारा खेला बचपन का है। हो बचपन में एक दिन राम जी ने ना, संत ऐसा कहते हैं, राम जी ने कैकेयी मैया के आंख को पीछे से जाके बंद कर लिया। ऐसे कहे, माँ माँ बोल, माँ कौन है माँ? कैकेयी मैया सोच नहीं सकती थी राम करेगा। माँ बोली, इतना नटखट तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण हो तो। राम जी हाथ हटाए, कहे, माँ मैं तो राम हूं, तू हार गई मैं जीत गया। माँ ने राम जी को गोद में बिठाया। कैकेयी मैया ने कहा, आज मेरे लड़के ने मुझे हरा दिया, मेरा राम जीत गया, मैं हार गई, मांगो राम क्या चाहिए। राम जी कहे, माँ जो मांगूंगा दोगी? कैकेयी मैया ने कहा, प्राण मांगोगे ना, प्राण निकाल के रख दोगे। राम जी कहे, माँ मुझे जो चाहिए ना, संसार में आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं दे सकता है। कैकेयी मैया ने कहा, मांगो। राम जी ने कहा, माँ जब पिताजी मेरे लिए राज सत्ता सजाए ना, उस समय आप मेरे लिए पिताजी से वनवास मांग लेना। क्यों? आपका राम जिस काम करने के लिए आया है ना, यदि राम बन न गया ना माँ, तेरे राम का काम पूरा नहीं होगा। कैकेयी मैया सुन के सहम गई। फिर माँ ने कहा, राम मेरे बन मांगने से और तुम्हारे बन जाने से मेरे मांग का सिंदूर चला जाएगा। मेरा पुत्र भरत मुझे माँ नहीं कहेगा। दुनिया वाले क्या क्या कहेंगे तुम जानते हो, लेकिन कोई बात नहीं, यदि इस कैकेयी के समाप्त होने से मेरे पुत्र का काम बनता है तो तुम्हारे लिए एक जन्म नहीं, मैं हजार जन्म समाप्त होने के लिए तैयार हूं, मैं अवश्य मांगूंगी। कौन करेगा? हो कौन करेगा? अपने आप को समाप्त करके किसी को बड़ा बनाना ये सहज व्यवहार नहीं है। कैकेयी मैया यदि राम जी को बन न भेजती ना, तो राम जीवन में कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया, परंतु राम को 14 वर्ष वन भेजकर कैकेयी मैया ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया। कैकेयी मैया सब प्रकार से महान है, भूल कर भी नहीं, कदापि माँ का दोष नहीं। माँ ने कहा, कुशलता बताओ, राम कुशल है ना? मंथरा ने कहा, आज अयोध्या में राम को छोड़कर कौन कुशल है? आपको तो नींद प्रिय है,
आपका बेटा भरत आपके मायके है, आप महाराज को अपने बस में जानती हैं, लेकिन महारानी आपने महाराज के कपट का दर्शन नहीं किया। अरे जैसे कपटी कहा कह कई मैया ने एक चाटा जड़ा उसको, बोली घरपुरी तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे सौभाग्य के ऊपर लांछन लगाया, तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। मंथरा गिर गई, लगी रोने, माँ को दया आई, माँ ने पुचकारा है मंथरा को, कही मंथरा तू कहती है कि कल महाराज राम को युवराज बनाएंगे, अरे पगली यदि तेरी बात सत्य है ना तो कल का दिन ही मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। मैं तो रोज ब्रह्मा जी से कहती हूँ कि प्रभु इस जन्म में राम मेरे अंक से जन्म नहीं लिया, लेकिन अगली बार ना ऐसी करुणा बरसाइएगा कि राम मेरी कोख से जन्म ले और जानकी मेरी बहू बनकर आए। मेरे इतने लाडले राम के युवराज बनने से तेरे मन में क्षोभ है, तुझे भरत की सौगंध सत्य बता। मंथरा ने कहा एक बार बोलने गई तो आप मेरी जिह्वा निकाल ली, मेरे मुख में दो जिह्वा नहीं है कि मैं दोबारा बोलूंगी। अरे राम राजा बने या भरत बने मुझे क्या, मैं दासी छोड़ के रानी थोड़ी हो जाऊंगी। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जिस सूर्य के आने के बाद कमल का फूल खिलता है, महारानी यदि जल ना रहे ना तो वही सूर्य कमल के पुष्प को जलाकर भस्म कर दे। आप महाराज को अपने बस में जानती हैं, महाराज आपको प्रेम करते हैं, कौशल्या जी से देखा नहीं गया, आपके पुत्र को आपके मैके भिजवा दिया और महाराज को राम को युवराज बनाने के लिए मनवा लिया। आप बताइए, सूर्य के शिव की सौगंध लेकर कहती हूं भयउ पाख दिन सजत समाजू, शंकर साक्षी है 15 दिन हो गए, आज तक आपको क्यों कोई क्यों नहीं बताया। देखिए झूठा आदमी कसम पहले खाता है, ए भाई कोई हो तो क्षमा करना। क्यों जानता है कसम नहीं खाएंगे तो इनको विश्वास नहीं होगा। कितना झूठ हो, शिव का सौगंध उठाकर कहती है भयउ पाख दिन सजत समाजू, 15 दिन हो गए किसी के मन में पाप नहीं होता तो आज तक आपसे किसी ने क्यों नहीं बताया। इसके बाद मंथरा ने सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई, भावी बस या कहें तो मेरे राम जी की इच्छा से कैकेयी मैया मंथरा की बात में आ गई। ठीक कहती है मंथरा, मुझे भी पिछले कई दिनों से बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, मैं अपने पुत्र को लेकर मैके चली जाऊंगी लेकिन अपने बच्चे को किसी का नौकर नहीं बनने दूंगी मैं। मंथरा ने कहा नौकर बने आपके शत्रु, मैंने ज्योतिषियों को दिखवाया है, ज्योतिषियों ने तो 3 रेखा खींच के बताया है कि राजा तो भरत ही बनेंगे, आप चिंता मत करिए। माँ ने कहा मंथरा क्या करूं, मंथरा ने कहा आपके पास 2 वरदान है ना महाराज का, एक में अपने पुत्र के लिए राजसत्ता और दूसरे में राम के लिए वनवास मांग लीजिए, लेकिन सावधान जब तक महाराज राम की सौगंध ना ले ले तब तक वचन मत मांगिएगा। समझा कर गई मंथरा, माँ कोप भवन में जाकर बैठ गई। इधर संध्या काल में चक्रवर्ती जी सोचे चलूं अपने मुख से मैं कैकेयी को सूचना दूं, आए हैं, कोप भवन सुनकर महाराज कांप गए, गए हैं लगे मनाने माँ को, कहते अरे कैकेयी प्रसन्न हो जाओ, तुमको पता है कल राम को मैं युवराज बनाने वाला हूं। माँ सुन के कांप गई, बहुत प्रसन्न हो कैकेयी, मांगो क्या चाहिए। माँ ने कहा मांगो मांगो करते हैं, मेरा 2 वरदान पड़ा है, आज तक वही नहीं दिया आपने। महाराज ने कहा 2 क्या होता है, 4 मांग लो। राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी जो मांगोगी आपको दूंगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई, प्राण का त्याग कर दूंगा परंतु वचन का त्याग नहीं करूंगा, मांगो क्या चाहिए। कहके ही मैया उठ के बैठ कहती हैं सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु
टीका। हे प्राण प्रिय, मेरे हृदय को जो पहला वर भा रहा है, आप राम के स्थान पर ना मेरे पुत्र भरत को राजा बनाइए। हरि राम। महाराज तो सुन के कांप गए हो, ये क्या मांग लिया? महाराज कांपने लगे, अब क्या मांगेंगे? और आपको बताऊं, यहां लिखा है दूसरा वरदान मांगने से पहले मां कैकेयी का शरीर कांपने लगा। मांगूं दूसरा बर कहा, प्रभु मैं दोनों हाथ को जोड़कर आपसे दूसरा वरदान मांग रही हूं। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरी मनोकामना पूरी करिए। महाराज मौन है, अब क्या कहेगी? कहीं मेरा प्राण तो नहीं मांगेगी अब? मां ने कहा, तापस बेस विशेष उदास। महाराज तपस्वी का रूप धारण करके, विशेष उदासीन व्रत का पालन करते हुए चक्रवर्ती जी सोचने लगे, लगता है कि कैकेयी कहना चाहती है कि भरत को राजा बना के महाराज आप तपस्वी का रूप धारण करके वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन तैयार हो गए, अब वन में जाना है। तब तक कैकेयी मैया ने कह दिया, महाराज आप नहीं, आपको नहीं जाना। फिर 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी का रूप धारण करके राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दीजिए। बूढ़े हाथी के सामने जब सिंह जाकर दहाड़ मारता है ना, तो सिंह की दहाड़ को सुनकर जैसे बूढ़ा हाथी कांप जाता है, चक्रवर्ती जी महाराज कैकेयी मैया के वचन को सुनकर पूरा हिल गए। बिजली गिरने के बाद जैसा ताड़ का वृक्ष टूट कर धराशाही हो जाता है, चक्रवर्ती जी महाराज खड़े खड़े गिर पड़े, अपने हाथ से अपने केश को पकड़कर नोचने लगे। कहते कैकेयी, शिव की सौगंध लेकर कहता हूँ, राम और भरत दोनों मेरे नेत्र हैं। तू चाहती है ना कि राम के स्थान पे भरत राजा बने? अरे कुछ दिनों की बात है, मैं भरत को बुलाता हूँ, तुम्हारे सामने राजा बना दूंगा। सुन के राम भी खुश हो जाएगा, लेकिन मन कैकेयी एक बात कहे, जल से मछली को निकाल दो तो हो सकता है मछली जिंदा रह जाए, सर्प से उसकी मड़ी को निकाल दो तो हो सकता है कि मड़ी के निकलने के बाद सर्प बेचैन ना हो, लेकिन इस दशरथ के जीवन से राम निकल के चला गया ना, तो कहकर ये दशरथ जिंदा नहीं रहेगा। कहो तो अपने हाथ से तलवार से गर्दन उतार के रख दूं, लेकिन राम के वियोग में मत मारो, मर जाऊंगा मैं। कहकर मैया और कठोर हो गई, कहीं महाराज सुन लीजिए, राम बन जाएंगे तो आपकी मृत्यु होगी और मुझे कलंक लगेगा। राम बन गए, आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा, और यदि राम बन कल नहीं गया तो मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। होत प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाही, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माही। दोनों का होना है तय, बन गया तो आप मरोगे मुझे कलंक, नहीं गया तो मैं मरूंगी आपको कलंक। हे प्रभु, कलंक का जीवन लेकर जीने से अच्छा है मौत आ जाए। आप जैसा धर्मात्मा राजा कलंकी जीवन लेकर जिए, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। प्रभु मैं स्त्री हूँ, कलंक लगेगा, मैं घर के भीतर रह जाऊंगी, लेकिन आप कलंक लेके घर के बाहर कैसे जिंदा रहेंगे? इससे अच्छा आप मर जाइए, मैं कलंक ले लेती हूँ। महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है मैं मर जाऊं। महाराज ने कहा, कैकेयी आज के बाद अपना मुख मत दिखाना। रात भर उसी कोप भवन में बैठकर राम 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 करते रहे। सूर्य भगवान से कहते, सूर्य भगवान कल आइएगा मत। क्यों? अरे आप आइएगा तो इस वंश का सूर्य घर छोड़ के चला जाएगा,
आप राम को बन जाते देख पाएंगे, आप मत आइएगा। रात बीती, प्रातः काल लोगों ने सुमंत जी को कहा, जाइए महाराज अब तक नहीं जगे, क्या बात है। सुमंत जी कूप भवन में गए, कैकेयी जी ने कहा मुझे नहीं मालूम क्या बात है, राम को बुला कर लाइए। राम जी आए हैं, कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी। राम, मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा है और भरत के लिए राज सत्ता, वही सुनकर पिताजी की गति भई है। आपको बताएं, राम जी बतिया सुन के नाचने लगे, कहते हैं सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी जे पी तुमा भागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं वचन में प्रेम रखता है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जे पितु मातु वचन अनुरागी। पांव में प्रेम रखना बड़ा सरल है, सवेरे उठो छू के प्रणाम कर लो, दिन भर अपने मन वाली करो, लेकिन वचन में प्रेम रखना बड़ा कठोर है। हो क्यों, जो आज्ञा होगी उसका पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते हैं माँ, जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माई बाप को संतुष्ट कर दे ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। इस राम को पिताजी का वचन सत्य करने का सौभाग्य मिला, मेरे से बड़भागी कोई नहीं, मेरा छोटका भाई भरत राजा बन जाएगा। माँ एक बात बतावे, माँ जिस दिन मैं सुना माँ उस दिन रात भर मैं रोया, क्यों पिताजी मेरे को दूर कर रहे थे भाई से। मैं पहले से बड़ा हूं, अयोध्या का राजा बन जाता तो अपने भाइयों से और दूर हो जाता, क्यों और बड़ा बन जाता। और माँ देखो मैं बड़ा हूं ही, अब भरत राजा बनेगा तो राजा बनने से भरत भी मेरा बड़ा हो जाएगा, और राजा का बड़ा भाई तो मैं बड़ा तो हुई, हम दोनों के दोनों भाई बड़े हो जाते। माँ कितना बढ़िया हुआ। लेकिन माँ इतनी सी बात को लेकर पिताजी को इतना दुख, अवश्य मेरे से कोई अपराध हो गया है। माँ कैकेयी जी सुनी तो कहीं अपराध और तुमसे, राम से अपराध। राम, अरे बेटा तेरे में तो अपराध करने की योग्यता ही नहीं है, राम तुम अपराध नहीं कर सकते, सत्य बेटा यही बात है। और बेटा वही करो जिससे बुढ़ापे में तुम्हारे पिताजी के कीर्ति को कलंक न लगे। राम जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज की मूर्छा जगी, राम को देखकर हृदय से लगा लिए। और यहां पर एक दोहा बोले महाराज, आशुतोष तुम अवढर दानी आरत हरहु दीन जन जा। हे आशुतोष, आप अवढर धानी है,
इस आर्त के, इस दुखिया के दुख का हरण कर लीजिए। संसार में आज तक जितने पिता आपकी पूजा किए होंगे, आपसे यही कहे होंगे, हे शंकर भगवान, ऐसी करुणा बरसाइए कि मेरी संतान मिलन करे। लेकिन प्रभु, मैं दुनिया का ऐसा भागा बाप हूँ जो आपसे आज प्रार्थना करता हूँ कि मेरी संतान राम मेरी आज्ञा का पालन न करे। आप यही आशीर्वाद दीजिए कि राम आज्ञा का पालन न करे। राम जी ने समझाया, पिताजी क्या कहते हैं आप? अरे कुछ दिनों की तो बात है, मैं गया 14 साल रह के आ गया। पिताजी को समझा कर राम जी गए माँ के पास। माँ देखी तो लगी नाचने, अरे नहाए नहीं तुम? पिताजी देख रहे होंगे बेटा, आओ कुछ मीठा खाओ फिर पिताजी के पास जाना। राम जी ने माँ को बिठाया और कहा, माँ एक बात बतावें। कहो माँ। पिताजी ने ना रात भर में धर्म विचार कर लिया। रात भर में माँ, क्या भया राम? राम जी कहे, माँ मैं बड़ा भाई हूं ना, मैं बड़ा हूं ना, तो पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बनाया। अब भरत छोटा है ना, तो भरता को छोटा राजा बनाया। माँ बोली, समझी नहीं? तो बोले, माँ पिताजी ने भरत को अयोध्या का राजा बना दिया और पिताजी ने इस राम को जंगल का बड़ा राजा बना दिया। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, माँ मुझे जंगल में जाना। कौन कहेगा हो, कौन कहेगा है? लड़का निकलेगा सीधे कोर्ट में पहुंचेगा, कोर्ट में मिलिएगा बाबूजी, कौन कहेगा? राम जी की बात सुनकर ना कौशल्या मैया स्तब्ध रह गए। सुमंत जी के पुत्र थे, पूरी घटना सुना दिए। अब मां फंस गई, धर्म स्नेह ने पकड़ लिया। यहां लिखा है, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छछुंदर केरी। साप छछुंदर को जानते हैं आप? छछुंदर देखने में चूहे जैसा, सांप छछुंदर को पकड़ लेता है, जब पकड़ता है तब पता चलता ही तो छछुंदर है, चूहा नहीं है। अब सांप फंस गया, कैसे? भीतर लेगा मर जाएगा, बाहर निकालेगा अंधा हो जाएगा, करे क्या? अब मुंह में दबा के बैठा है। वही स्थिति मां की हो गई। धर्म ने और प्रेम ने, धर्म सने उभय मति घेरी, दोनों ने मां के मति को पकड़ लिया। प्रेम कहता है पुत्र को माँ के गोद में रहना चाहिए, धर्म कहता है पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माँ ने धीरज धारण करके कहा, राम पिता की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगी, यदि आपके केवल पिताजी ने आपको बन जाने के लिए कहा है, तो मैं आपकी माँ हूं, माँ का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। राम मैं कहती हूं कि बन मत जाओ। लेकिन राम यदि आपके पिता के साथ साथ बेटा आपकी माँ कैकई ने भी यदि बन जाने के लिए कहा है ना, तो बेटा रुकना मत, जरूर बन जाना। क्यों? माँ की बात मानकर बन में जाओगे ना, तो तुम्हारे लिए बन ही 100 अयोध्या से अधिक सुखदायी हो जाएगी। जरूर बन में जाना। अभी माँ बेटा की वार्ता चल रही थी, तब तक जानकी मैया आ गई। कौशल्या मैया को प्रणाम करके बैठ गई। और जानते हैं यहां लिखा है, जानकी मैया दाहिने पांव के अंगुष्ठ के नाखून से धरती को कुरेद रही हैं। क्यों? जीव जब बहुत दुखी होता है ना, कोई भी हो, जब जीव बहुत दुखी होता है ना, तो उस समय उसको केवल अपनी माँ की याद आती है दुख में। सम्मान मिलता है तो पिता याद आते हैं, लेकिन दुख में पिता भी याद नहीं आते, दुख में माँ ही याद आती है। चोट लग जाए तो मुख से अपने आप माँ निकलता है, निकलता है ना। जानकी मैया की माँ कौन है? धरती मैया। मुख से बात नहीं कर रही है,
क्यों? सासू माँ है, पतिदेव है, इसलिए नाखून से धरती कुरेद के जानकी जी अपनी बात कह रही है, माँ माँ प्रभु जाने वाले हैं, माँ जाना तो मेरा भी तय हो गया है, माँ हाँ प्रभु के साथ मेरा भी जाना तय हो गया है, हाँ क्या जाएगा ये नहीं तय हुआ, यदि प्रभु लेकर गए माँ तो प्रभु के साथ मैं जाऊंगी, और यदि प्रभु मुझे छोड़ कर गए माँ तो प्रभु के साथ मेरा प्राण चला जाएगा, जाना तय है, अब देखा जाए मैं जाती हूं कि मेरा प्राण निकल के जाता है, पता नहीं माँ। कौशल्या जी ने कहा, राम ये वही जानकी हैं जिनको आज तक मैंने दीपक के बाती को टारने के लिए नहीं कहा, राम ये वही जानकी हैं जिनको जनक जी ने अपने पलकों पर बिठा के रखा, राम ये वही जानकी हैं जो बंदर की छवि देख के डर जाती हैं, बन जाना चाहती हैं, कहो राम क्या आज्ञा है। प्रभु ने जानकी मैया को बहुत समझाया, घर में रहिए, वन बड़ा भयानक है, हिंसक पशु हैं, निशाचर हैं, कंकड़ीले मार्ग हैं, नदियां हैं, झाड़ियां हैं, पर्वत हैं, आप जानकी वन के योग्य नहीं हो। माँ का एक प्रश्न आया, प्रभु आप कहते हैं मैं वन के योग्य नहीं हूं, मैं पूछना चाहती हूं क्या आप बन के योग्य हैं, क्या आप बन के योग्य हैं प्रभु? एक स्त्री के लिए माता पिता सास ससुर भाई बहन देवर देवरानी जेठानी बेटा बेटी भाई बहन हित नात मीत पूरा संसार आ जाए, लेकिन उसके साथ उसका पति न रहे प्रभु, तो सबका होना न होने के बराबर रहता है। प्रभु जल के बिना नदी व्यर्थ, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी भी व्यर्थ है, कोई अस्तित्व नहीं है नाथ, मैं आपके साथ वन में रहूंगी तो वो वन ही मेरे लिए महल समान रहेगा, आपके बिना महल में रहूंगी तो महल ही मेरे लिए वन जैसा भयानक हो जाएगा। माँ की बात सुनकर प्रभु ने माँ को भी चलने की अनुमति दे दी। इसी बीच लक्ष्मण जी आ गए, हमको देखे प्रभु क्या कहते हैं, ले चलेंगे कि ही छोड़ दे चले जाएंगे। राम जी ने कहा, भैया भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ, पिताजी देखो कितने दुखी हैं, भाई आप यहीं रहो और राजपाट संभालना। लक्ष्मण जी कहे, प्रभु आप तो मान सरोवर के हंस के सिर पे मंदराचल पर्वत रखने जा रहे हैं, प्रभु ऐ आपका लक्ष्मण दूध मुहा बच्चा है, अभी इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे और इतना बड़ा भार। भगवान ने कहा, दूध मुहा बच्चा है, कल तो बहुत गरज रहे थे जनकपुर में, उठा लूंगा तोड़ दूंगा ब्रह्मांड फोड़ दूंगा, कल दूध मुहा बच्चे नहीं थे? बोले, प्रभु उस समय मुझे पता नहीं था। तो बोले, पता कब चला? तो बोले, प्रभु जब आपने धनुष तोड़ दिया ना, और उसके बाद फरसा लेके परशुराम जी आए, और बात बात में जैसे परशुराम जी मुझे मारने के लिए दौड़े, तब आपने ही ना उनसे कहा था, अरे मुनिवर किससे लड़ रहे हैं, लक्ष्मण तो अभी दूध हुआ बच्चा है, इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, तब मुझे पता चला, अरे मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ, इतने छोटे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा भार। प्रभु मोरे सबुई एक तुम स्वामी, आप ही मेरे लिए माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही सखा हैं, आप ही भाई हैं, आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता। राम जी ने कहा, ठीक है जाओ माँ से विदा मांग कर लाओ। कौन माँ से? सुमित्रा मैया से। देखिए यहां लिखा है, आप पढ़िएगा ध्यान से, लक्ष्मण जी सोचने लगे, यदि माँ से विदा मांगेंगे और यदि माँ ने मना कर दिया फिर क्या होगा, यदि माँ कह देगी मत जाओ
तो फिर तो माँ के वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, फिर तो रुकना पड़ेगा। एक काम करो, विदा मत मांगो, फिर सूचना दे दो। केवल विदा मांगने में ना हाना होगा, सूचना देने में थोड़ी हाना है। लक्ष्मण जी गए माँ को प्रणाम किए, माँ प्रणाम, भैया बन जा रहे हैं, तेरा लक्ष्मण जी जा रहा है, सीता राम बोल के चल पड़े, चल पड़े। माँ बोली इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या बोला? इधर बैठ, इधर बैठ जाओ। क्या बोले लक्ष्मण? माँ भैया बन जा रहे हैं, माँ मैं भी जा रहा हूँ, माँ 14 साल के लिए, माँ अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। माँ सुमित्रा मियाँ बोले झूठ बोल रहा है तू। लक्ष्मण बोले सत्य में माँ, भैया तैयार है, माँ जा रहे हैं। माँ सुमित्रा जी ने कहा झूठ बोल रहा है तू, राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी बोले अब तुमको कैसे समझाऊं माँ? माँ बोली तू मत समझा, मैं जो समझा रहा हूं उसको तू समझ। तू क्या समझता है राम से, अयोध्या से राम है? अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। आप लोग बताइए सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? हाँ गलत है, सूर्य पूरब में नहीं निकलते। फिर सूर्य जिधर निकलते हैं उसको पूरब कहते हैं। सूर्य पूरब में नहीं निकलते, सूर्य जिधर निकलते हैं उसको पूरब कहते हैं। उसी प्रकार राम जी अयोध्या में नहीं रहते, राम जी जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कहते हैं। सुमित्रा मैया ने कहा अवध तहां कहां जह राम निवास, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाश। मां ने कहा बेटा राम यदि इसको छोड़कर वन में जा रहे हैं तो वन ही अयोध्या है, और राम के बिना अयोध्या वन से भी भयानक है, जाओ। लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मण, आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं रही। लक्ष्मण जी बोले क्या बोलती हो माँ, छोड़ के जा रहा हूं तो माँ कहने का भी अधिकार छीन रही? बोलते नहीं लक्ष्मण, सत्य में आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं। लक्ष्मण जी बोले फिर मेरी माँ कौन है? तब सुमित्रा जी ने कहा बेटा आज के बाद तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति सरेही। आज के बाद सीता तुम्हारी माँ है, राम तुम्हारे पिता हैं। और एक बात बेटा, आज संसार में तुम्हारी माँ सुमित्रा से बढ़कर भाग्यशाली दूसरी कोई माँ नहीं। क्यों? जिस माँ का बेटा राम का भगत निकल जाए उस माँ से अधिक भाग्यशाली संसार में कोई माँ नहीं है। तू मेरी कोख से जन्म लिया है लक्ष्मण, जाओ। एक शिक्षा तुमको, सपने में भी हम लोगों को याद मत करना। लक्ष्मण जी बोले ये क्यों माँ? सुमित्रा मिया ने कहा यदि तुम याद करोगे ना बेटा तो तुमको दुख पहुंचेगा, तुम व्याकुल हो जाओगे, और जब व्याकुल हो जाओगे तो अपनी माता पिता की सेवा ठीक से नहीं कर पाओगे, राम सीता के सेवा में विघ्न उत्पन्न होगा, इसलिए सपने में भी याद मत करना। अब यार एक बात समझिएगा, लक्ष्मण जी सोचने लगे कि माँ ने कहा है सपने में भी याद मत करना, सपने पर किसी का बस नहीं है कि ये सपना देखा जाए ये ना देखा जाए। लक्ष्मण जी सोचे यदि सो गया और कहीं माँ की याद आ गई तो फिर तो माँ का वचन झूठा हो जाएगा। फिर लक्ष्मण जी ने निर्णय कर लिया आज के बाद मुझे 14 वर्ष सोना ही नहीं है। और लक्ष्मण जी आपको बताऊं 14 साल भगवान की सेवा के लिए दिन रात जगे रहे, सोए नहीं। कहाँ उदाहरण मिलेगा हो विश्व में? एक भाई भाई के लिए 14 साल जगा रह गया। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी, कोई बाण वाण नहीं लगी थी।
लड़ाई में लक्ष्मण जी को दो बार शक्ति लगी थी। पहली बार सजीवन बूटी मंगाई गई और दूसरी बार राम जी ने कहा कि यदि तुम मेरे भाई हो, मैं तुमको प्रेम करता हूं, तो उठ के बैठ जाओ। लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। यदि दूसरी बार बैठ गए तो पहली बार नहीं बैठ जाते? भगवान जानते थे कि मेरा भाई 14 साल से दिन रात मेरी सेवा में जगा है। प्रभु सोचने लगे, चलो कम से कम शक्ति बाण के बहाने मेरे लक्ष्मण को एक रात सोने का अवसर मिला है। ए, सबको सजीवन बूटी में फंसाए रहो, लक्ष्मणवा को सोने दो। राम जी ने ही लीला बनाकर, रचना बनाकर और अपने भैया को एक रात विश्राम करा दिया हो। भगवान के आगे कौन शक्ति लगेगी है? भगवान से बड़ी कोई बूटी है का? लक्ष्मण जी मां को प्रणाम करके चले। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही चल पड़े प्रभु। प्रातः काल वनवासी का रूप धारण करके मैया भैया के साथ ब्राह्मणों को वर्षासन दान देकर गौरी गणपति का स्मरण करके भगवान चल पड़े। पूरी अयोध्या लग गई भगवान के साथ। चक्रवर्ती जी की मूर्छा खुली है। सुमंत जी को बुलाकर कहे, रथ लेकर जाओ, 4 दिन रथ पर बन दिखाकर लेकर आना। राम नहीं आएगा तो जानकी को लाना, और सुमंत जानकी को भी नहीं लाए तो तुम्हारे आने के साथ मेरा प्राण चला जाएगा। पिताजी की आज्ञा मानकर प्रभु रथारूढ़ हुए। चलते चलते पहले दिन पूरा समाज तमसा नदी के तट पर पहुंचा है। प्रभु सोचे, अयोध्या की प्रजा रहेगी तो मैं पिताजी के वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा। अस्तु, मध्य रात्रि में माया को प्रेरित करके भगवान ने पूरी प्रजा को गहरी नींद में सुला दिया और रथ के पहिए के चिन्ह को समाप्त करके वहां से प्रभु चल पड़े। चलते चलते अगले दिन, दिन के तीसरे पहर में भगवान श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। उतर कर भगवान ने गंगा जी को प्रणाम किया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, गंगा मैया की जय। अरे ना, गंगा कम से कम महानदी तक तो पहुंचे। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा तव दर्शनानि मुक्ति कहा गया है। गंगा जी के दर्शन से ही मुक्ति है। आदि शंकराचार्य भगवान कही गए, जो 100 योजन कहें तो 1200 किलोमीटर दूर बैठकर और गंगा जी का नाम लेकर जयकारा लगा लेगा, उसको गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। हमारा आपका सौभाग्य, हम लोग राम कथा गंगा में भी नहा रहे हैं और गंगा जी का जयकारा लगाकर उस गंगा में भी स्नान कर लिए। दो दो गंगा है। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगुह आए उपहार लेकर। प्रभु ने मित्र बनाया, स्वागत भया है। निषाद जी ने कहा, प्रभु 14 साल बाहर रहना है ना, यही मेरे नगर में रहिए। भगवान ने कहा, उदासीन व्रत लिया हूँ, 14 साल किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, ना किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूँ। निषाद जी ने नगर के बाहर ही एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई है। रात्रि में भगवान फलहार करके कंद मूल लेकर और प्रभु मैया के साथ विश्राम किए। निषाद जी ने सेवकों को बुलाया, कहा, देखो मुझे सूचना मिली है, कल रात को तमसा के तट पर अयोध्या वासियों को सोता छोड़ के चले आए हैं, कहीं हम लोग सो जाए और यहाँ से भी चले जाए तो पहरे में खड़े हो जाओ, सब पहरे में खड़े हो जाओ, राम को जाने नहीं देना है। सारे सेवक पहरे में लग गए। लक्ष्मण जी दूर जाकर बिरासन डसा कर बैठ गए। सबको काम उम बांट कर जब निषाद जी आए हैं और भगवान को कुशा की चटाई पर सोते देखे तो लगे रोने। कैकई जी ने बहुत गलत किया, कैकई नंदिनी मंद मति कठिन कुटिल पन कीन, जही रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। जिस कैकई जी ने गलत काम किया, राम जी के जीवन में सुख का समय था, दुख दे दिया। लक्ष्मण जी सुन लिए, कहीं बाहर का आदमी मेरी माँ को दोष लगा रहा है, इतना हिम्मत इसका? कहे निषाद जी से, काहे रो रहे हैं, इधर आइए, आइए तनिक आपका ब्रेन वॉश किया जाए, इधर आइए, बुलाकर बैठाए। कहे क्यों रो रहे हैं? बोले राम जी को बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है राम जी को।
लक्ष्मण जी ने कही बताओ, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले हमारे भैया तो चकाचक सो रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया सो रहे हैं, इनको दुख होता तो नींद आती। और आप कहते हैं मेरी माँ ने दुख दिया, आपको पता है सुख दुख कौन देता है? निषाद जी बोले नहीं मालूम। लक्ष्मण जी बोले नहीं मालूम तो दोष क्यों लगा रहे हैं, पहले पता करिए सुख दुख कौन देता, कोई नहीं देता। बोले काहो न को सुख दुख कर दाता, कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी न संसार में कोई किसी को सुख देता है न दुख देता है, फिर हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। मिलना बिछड़ना जन्म लेना मरना घर परिवार बेटा बेटी पति पत्नी माई बाप भाई बहन स्वर्ग नरक काल कर्म मान सम्मान अपमान क्या है? निषाद जी बोले हमको नहीं मालूम। बोले सब मोह है, मोह मूला पर मारत नाही, मोह मूला पर मारत नाही, देखिए सुनिया गुनिया मन माए, देखिए सुनिया गुनिया मन माए, देखिए सुनिया गुनिया मन माए। ये क्या है? ये मोह है। ये मोह का है, आपको पता है मोह क्या है? मोह महाराज हमारा लड़का है, ये हमारा लड़का है महाराज, इसको खूब पढ़ा रहा हूं, काहे बुढ़ापे में ना लाठी बनेगा, यही मोह है। मोह में देखा हुआ सपना है। आप बताओ सपना कभी सही भया है क्या किसी का भी? जब वो सपना सही नहीं भया, ये सपना कैसे सही होगा? आप सोच रहे हो कि पढ़ लेगा तो लाठी बनेगा, वो पढ़ लिख कर चला गया विदेश, अब खोजते रहो अपना लाठी, लाठी गया विदेश। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी इसी मोह रूपी रात्रि में सब सोए हैं, सब सोए हैं। मोह निषाद सब सो अनिहारा, और सो सोकर देख ही सपन अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार का सपना देखते हैं। ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर हम हरिहर आनंद करेंगे, ऐसा तैसा कुछ नहीं होगा, सपना झूठा हो जाएगा। मैं आपको अपनी एक बात बताऊं, गोरखपुर से कलकत्ता जा रहा था ट्रेन में, एक ट्रेन है जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस, गोरखपुर से कलकत्ता जाती है। तो मेरे सामने एक बाबूजी बैठे थे, प्रिंसिपल से रिटायर्ड थे। बात होने लगी, पूछे क्या करते हैं? मैंने कहा मैं राम कथा करता हूँ। बड़ा आनंद आया वार्ता से। हमने पूछा बाबूजी घर में कौन कौन है? मेरे प्रश्न पूछते रोने लगे बाबूजी। हमने क्या भैया बाबूजी? बोले महाराज मेरे चार लड़के हैं जिसमें से तीन नालायक हैं और एक लायक है। अरे कोई बाप अपने बच्चे को नालायक बोल रहा है? बोले महाराज तीन नालायक हैं और एक लायक है। बोले बाबूजी हम समझे नहीं। बोले महाराज मेरा पहला नालायक बेटा, बड़ा बेटा डॉक्टर है, अमेरिका में है। मेरा दूसरा नालायक बेटा इंजीनियर है, लंदन में है। मेरा तीसरा नालायक बेटा वो भी वैज्ञानिक है, वो भी लंदन में है। और मेरा चौथा लायक बेटा महाराज केवल 12 क्लास तक पढ़ा है, गांव पे व्यापार करता है और हम बूढ़ा बूढ़ी का पालन करता है।
उस पिता के वचन मेरे कान में आज तक गूंजते हैं। कहते हैं महाराज, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाने के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया, बुढ़ापे में वही बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। आज पता चलता है मैंने क्या खोया है। ये क्या है? मोह में देखा हुआ सपना है। इससे जितना जल्दी हो बाहर जगिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों को मत पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, लेकिन ये आशा मत लगाइए कि बुढ़ापे में लाठी बनेंगे। ना ना ना, आशा लगा के मत पढ़ाइए। पढ़ाना आपका धर्म है, कर्तव्य का पालन करिए। आपका सौभाग्य होगा तो बच्चे आपकी सेवा करेंगे, नहीं होगा तो हरिहर आनंद करिए। आशा लगाएंगे तो निराशा मिलेगी। जगिए, मोह से जितना शीघ्र हो जगा जाए। एक बड़े दिव्य साधक भय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री भिक्षु जी महाराज, गीता कुटीर हरिद्वार, गीतानंद जी कहते हैं, अरे किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में लड़का खूब सेवा करेगा। अरे किस धुन में तू बैठा बावरे, और किस मद में तू मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, मद में तू मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा, उद्घोषक महोदय वर्मा जी बता रहे थे, सिकंदर खाली हाथ गया, मरने लगा तो अपने सेवकों से कहा कि देखो मेरे ताबूत में ना, जिसमें मुझे सुलाना, जिस ताबूत में मुझे सुलाना, मेरे कंधे के पास दो छिद्र करके और मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल के फिर मेरे शव को ले जाना। सेवकों ने बोला, ऐसा क्यों करना सरकार? सिकंदर ने कहा, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, जिस सिकंदर ने पूरे विश्व को जीत लिया, वो भी जब संसार से गया तो कुछ लेकर नहीं गया, खाली हाथ गया था यहाँ से। साधक कहता है, क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है, वो सोने वाले जाग जा, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही
सुत मात पिता बांधव नारी धन धाम यही रह जाएगा धन धाम यही रह जाएगा धन धाम यही रह जाएगा यह चंद रोज की यारी है यह चंद रोज की यारी है फिर अपना कौन बेगाना भिक्षु यति हरि नाम जपो फिर ऐसा समय न आएगा फिर ऐसा समय न मानो फिर ऐसा समय न आएगा कह भिक्षु यति हरि नाम जपो फिर ऐसा समय न आएगा फिर ऐसा समय न आएगा फिर ऐसा समय न आएगा पाकर कंचन सीकाया को पाकर कंचन सीकाया को फिर हाथ मीज पछताना है ओ सोने वाले जाग जा सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर किस धुन में बैठा बावरे किस धुन में मद में तो मस्ताना है वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है जगा जाए। निषाद जी पूछे लक्ष्मण जी मोह की रात में सब सो रहे हैं कोई नहीं जगा है। लक्ष्मण हाँ नहीं जगे भी है ना ऐसा थोड़ी कि